जी क्या हाल चाल है। कहते हैं नागालैंड बड़ा ही सोच समझ के जाना चाहिए। नागालैंड के सबसे एकमात्र एयरपोर्ट जिसका नाम है दीमापुर एयरपोर्ट, कैसे जाएंगे, क्या चीज़ें हैं, पूरी जानकारी देने वाले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ की सच्चाई आपका होश उड़ा देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जब कभी भी आप प्लान करते हैं तो। और अगर आप नागालैंड से तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और अनेक जगह से आप हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम आपको बताते हैं दीमापुर एयरपोर्ट जिसका जब भी आप यहाँ पे जाते हैं तो ये नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से आपको जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बनाया गया था। ये आगमन का अराइवर का गेट है और इसी के सामने डिपार्चर का आपको मिल जाएगा। ये सामने का लोकेशन में आप देख सकते हैं। तो डिपार्चर वाले और अराइवर वाले दोनों अगल बगल में जब कभी भी आप जाते हैं तो आपको यहाँ से जो है आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी और वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये दीमापुर जिले में मौजूद है। दीमापुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नागालैंड का, जो कि बहुत संख्या में लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी फ्लाइटें आपको मिल जाएंगी। एयर इंडिया का मिल जाएगा, एयरलाइंस एयर का मिल जाएगा, इंडिगो मिल जाएगा। वो गुवाहाटी जाना हो या इम्फल जाना हो या फिर गुवाहाटी जाना हो या फिर बेंगलोर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, कोलकाता जाना हो, उन सभी जगह के लिए इंडिगो की फ्लाइटें आपको यहाँ से मिल जाती है। तो दीमापुर एयरपोर्ट जिसका IATA कोड है DMU और ICAO कोड है BEMR, जब भी आप सर्च करेंगे ये पब्लिक टाइप जो है एयरपोर्ट है और यहाँ पे जो है आप जा सकते हैं। तो ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर में सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग कल्चरल का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नागालैंड का यहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, साथ साथ में ATM की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, सारा जो है एयरपोर्ट के अंदर आपको मिल जाता है। ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से इन करेंगे, देख सकते हैं इंडिगो की फ्लाइट हो या फिर आपको दूसरी फ्लाइट हो, सभी का जो बैग लगेज जो आप देंगे सो यही है चेक इन काउंटर जहाँ पे आपको देना है यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद, और फिर आपको बताया जाएगा कौन सी गेट में जाना, उस गेट में जाके फिर वहाँ फ्लाइट ले सकते हैं। बैठने के लिए यहाँ पे जगह जगह पे सोफे लगाए गए, जो कि आराम से कंफर्ट होकर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और वेट कर सकते हैं। जब आपकी फ्लाइट रहेगी तब यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। और जगह जगह पे स्क्रीनिंग भी लगाया गया, लाउंज भी आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट में, जो कि आराम भी कर सकते हैं। चाय वगैरह या फिर कॉफ़ी वगैरह या बुक्स स्टॉल वगैरह आपको लेना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। खाने पीने की सुविधा से लेकर सभी चीज़ें जैसे अदर एयरपोर्ट में होते हैं उस तरीके से अवेलेबल यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो एयरपोर्ट को बहुत ही स्वच्छ रखा गया है, और नागालैंड का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको इसी एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा, दीमापुर एयरपोर्ट में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस एयरपोर्ट को बनाया गया था और काफ़ी संख्या में अब जो है यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ से उतरने के बाद जैसे ही बाहर निकलिएगा वहीं से आपको जो है बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और उन गाड़ियों के द्वारा फिर आप दीमापुर के सिटी या फिर अनेक जगह पे जा सकते हैं। तो आपको कभी भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है जिसके कारण से आपको हमेशा यहाँ लोगों की जनसंख्या के साथ साथ में और आपको यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाती है। तो ये देखिए ये मेन एंट्रेंस गेट है जो कि कुछ इस तरीके से है, और बहुत ही सुंदर जगह है ये। जब कभी भी आप प्लान करते हैं दीमापुर तो यहाँ पे जा सकते हैं। छोटा एयरपोर्ट है लेकिन लोगों की जनसंख्या के कारण ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जाते भी हैं। इंडिगो की फ्लाइट साथ साथ में यहाँ पे और भी फ्लाइटें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको जाना है फ्लाइट के माध्यम से तो यही एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा। नागालैंड का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको दूसरे तीसरे कोई एयरपोर्ट नहीं, यही एयरपोर्ट में उतरना पड़ेगा और देन यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। अगर हम होटल की बात करें तो यहाँ पे होटल की सुविधा आपको मिल जाती है, जो कि होटल का रेंज है यहाँ पे 500, 600, 700, जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से होटल का सुविधा भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और अगर यहाँ पर लैंड कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर निकलिएगा, और बाहर निकलने के बाद ही होटल का सुविधा, गाड़ियाँ वगैरह लेने के बाद आप नागालैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और होटल ले सकते हैं। और अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इन करेंगे, इन करने के बाद यहाँ पे आपको घूमने का मिल जाएगा एयरपोर्ट के अंदर, कुछ देर टाइमिंग स्पेंड कर सकते हैं। यहीं पर आपको अलग अलग काउंटर मिलेगा लगेज के लिए, जो कि इंडिगो की फ्लाइट है तो इंडिगो वाले में लाइन लग के आप अपना लगेज डाल सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। देन तत्पश्चात जो है गेट से बाहर आइएगा और जो फ्लाइट लगी हुई है यहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद फिर फ्लाइट लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अराइवर का है और इधर डिपार्चर का है, दोनों गेट है ये सामने के लोकेशन में, और ट्रॉली वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे अंदर ला सकते हैं। और ये गेट नंबर 1 है 2 है 3 है, इस तरीके से जो गेटे नंबर है, और यहाँ पे आपको बैठने को मिल जाता है। तो ये सारी सुविधाएं से बहुत ही अच्छा है एयरपोर्ट, सब कुछ आपको अंदर में मिल जाएगा। दिल्ली एंड कोलकाता, दिल्ली एंड कोलकाता देख सकते हैं टैग लगाया गया, तो यहाँ से दिल्ली कोलकाता के लिए और साथ साथ में इधर जाना है तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये पूरा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो आशा है वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
और नागालैंड जब कभी जाते हैं यहाँ का रेड लाइट एरिया साथ साथ में इस जगह पे, आप सोच समझ के जाएं, अच्छे से जाएं और ट्रैवल करें। और कोई जानकारी चाहिए कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी जानकारी आपको देंगे। ये पूरा था दीमापुर का, दीमापुर एयरपोर्ट कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें। आशा वीडियो पसंद।